टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड अल्टी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटीज़ का वीडियो नंबर है 23। तो इसमें काफ़ी काम, यानी लिमिट के क्वेश्चन काफ़ी हो चुके हैं, कंटिन्यूटी पे अभी कोई काम नहीं हुआ था। ठीक है, तो कंटिन्यूटीज़ में क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सततता। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना, फलन सतत है कि नहीं। कंटिन्यूटी दो पॉइंट से चेक की जा सकती है, जैसे कि कोई फंक्शंस है, एक्स इक्वल टू अल्फा पे इसको चेक करना है। ठीक है, एक्स इक्वल टू अल्फा पे, तो एक तो पॉइंट ले सकते हैं इसके राइट हैंड, आरएचएल इसको बोलते हैं, और फंक्शन की एक होता है एलएचएल लेफ्ट हैंड, और एक्स इक्वल टू अल्फा यानी एफ ऑफ अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा पे ये फंक्शन की वैल्यूज एंड राइट हैंड लिमिट, आरएचएल को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड ये जो होती है एलएचएल इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब एलएचएल और फंक्शंस एफ ऑफ अल्फा एंड आरएचएल तीनों इक्वल होती हैं, एलएचएल बराबर एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू आरएचएल, ठीक, एलएचएल एफ ऑफ अल्फा एंड आरएचएल तीनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट था कंटिन्यूटी का, लिए फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। अब डिसकंटिन्यूस कब होता है, कई पॉइंट आ जाते हैं डिसकंटिन्यूस, यानी कि एफ ऑफ अल्फा पे जो वैल्यूज है इनफाइनाइट आ जाए तो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन की कोई वैल्यूज ना आए, इनफाइनाइट क्वान्टिटीज आ जाए, या एफ ऑफ अल्फा पर जो है अनडिफाइंड क्वान्टिटीज आए, ठीक है, या अननोन क्वान्टिटीज आए तो वे डिसकंटिन्यूस। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट है एंड एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो तो डिसकंटिन्यूस, एंड एल एच एल अगर आर एच एल बराबर भी हैं और फंक्शन बराबर ना हो तो वे डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होनी चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूस हो पाएगा। अगर इनफाइनाइट क्वांटिटीज आ जाए, अननोन क्वांटिटीज आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे पॉइंट कंटिन्यूटीज के, कहाँ पे कंटिन्यूस होता है। एलएचएल एंड आरएचएल इसलिए निकाले जाते हैं, कोई फंक्शन के आसपास की वैल्यूज चेक कर लेते हैं, उससे थोड़ा पहले, फंक्शन के थोड़ा बाद। ठीक है, तो उस पॉइंट से पता लग जाता है कि फंक्शन इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कंटिन्यूस होता है तो बराबर हो जाती है वैल्यू, जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो वैल्यूज बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स नॉट इक्वल टू टू पर, फोर दिया है एक्स इक्वल टू टू पर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू टू पर जो वैल्यूज है वो फोर है। सपोज हम एक्स इक्वल टू अल्फा मान रहे थे तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे टू है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू टू पर वैल्यू फोर गिवन है, तो यहाँ पे हमको यानी कि एक्स इक्वल टू टू पर यानी एफ ऑफ टू इक्वल टू है फोर, टू को हम अल्फा कह सकते हैं, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू टू। इस पे एल एच एल एंड आर एच एल निकालना है, जो फंक्शन की क्वांटिटीज दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो यह बना एक्स प्लस टू। एल एच एल निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ये लिया जाता है टू माइनस पर, टू से थोड़ा पहले अल्फा माइनस पर। ठीक है, यानी कि किस अल्फा इक्वल टू ये अगर टू है तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव यानी कि टू माइनस टू से थोड़ा पहले टू माइनस एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू से थोड़ा पहले चेक करेंगे, और राइट हैंड में होता है टू प्लस। ठीक, राइट हैंड में आर एच एल की बात करते हैं तो आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स टेंस टू टू माइनस एच, टू से थोड़ा पहले कोई क्वांटिटी या कोई कॉन्स्टेंट ले लिया है, एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस टू, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू टू प्लस एच एक्स प्लस टू।
यहाँ पे x की वैल्यूज पुट कर देंगे, x की जगह 2 माइनस एच प्लस 2 एंड लिमिट किस पे चला, x टेंस टू 2 माइनस एच पर। फंक्शन जो है चेक करना है x इक्वल टू 2 पर, यानी यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे हमेशा h पर h टेंस टू 0 ही रह जाता है। ऐसे ही इसमें भी वही करना है, अगर लिमिट x की जगह पे 2 प्लस एच रखा, प्लस का 2 अपॉन x की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी h टेंस टू 0 रह जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस एच, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस एच। h टेंस टू 0 पुट कर देंगे दोनों जगह, यहाँ रख दें और यहाँ भी रख दें, ठीक है, LHN एंड RHL दोनों में रख दें, h बराबर h टेंस टू 0, तो ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। तो LHL भी 4 है, RHL भी 4 है एंड फंक्शन भी 4 है, तीनों क्वांटिटीज बराबर है। देखिएगा f ऑफ 2 इक्वल टू 4, LHL इक्वल टू 4, RHL इक्वल टू 4, तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होती हैं, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शंस की वैल्यूज, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 4, इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में, आगे क्वेश्चन हो सकता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स टेंस नॉट इक्वल टू ए एंड 2a दिया है एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पे इसकी क्वांटिटीज 2a है, ठीक है, यानी कि जो फंक्शंस की वैल्यू है 2a है फॉर एक्स इक्वल टू ए पर। अब देखेंगे एक्स इक्वल टू एट x इक्वल टू ए पर f ऑफ a इक्वल टू 2a गिवन है, LHL निकालना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, तो a नेगेटिव हो जाएगा a माइनस का h, फंक्शन था x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस a, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद बच जाएगा x प्लस a, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन x माइनस ए था कैंसिल होकर x प्लस a बच जा रहा है। उसके बाद x की वैल्यूज a माइनस एच पुट किया जाएगा और यहाँ चल रहा एक्स माइनस टेंस टू a माइनस एच, तो ये हो जाएगा a टेंस टू a इक्वल टू जीरो पे लेंगे, तो a से a x टेंस टू a पे लेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू जीरो, तो यह हो गया 2a माइनस एच, टेकिंग लिमिट h टेंस टू जीरो रखेंगे तो 2a आ जाएगा LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेना है RHL राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये हुआ x टेंस टू a पॉजिटिव यानी a प्लस h और फंक्शन था x प्लस a, x की जो क्वांटिटीज है पुट कर देते हैं a प्लस h, a प्लस h प्लस a, ठीक है, तो x टेंस टू a पे लेना है, तो यहाँ x इक्वल टू a रखेंगे तो x से a से a कैंसिल हो जाता है, h टेंस टू 0 ही बचता है, एच टेंस टू 0 2a प्लस एच, इसमें वैल्यू ड्रा किया तो ये हो जाएगा 2a प्लस 0 यानी कि 2a, ठीक है, तो LHL RHL एंड फंक्शन तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों जब बराबर होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, यानी कि एफ ओ पे इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 2a, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूस, यानी कि फंक्शन यहाँ पे सतत होगा, सतत या कंटिन्यूस एक ही बात हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर एंड 2x x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, तो इस तरह की जो वैल्यूज है अब देखिएगा उसमें फंक्शन कंटिन्यूस बनता है कि नहीं। x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यूज है वो 2 है, एट x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 इक्वल टू दिया है 2, LHL निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव
वन निगेटिव यानी वन से थोड़ा पहले यानी कि वन माइनस एच फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा वन माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर। एक्स टेंस टू वन पे चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वन रखेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रह जाता है वन माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट ड्रा कर देंगे एच इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो यानी कि वन। एल एच एल आ चुका है, अब आर एच एल लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो यह हुआ एक्स टेंस टू वन प्लस एच फंक्शन से वन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे वन प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। एक्स टेंस टू वन पे चेक करना है, तो वन प्लस एच कैंसिल होकर लास्ट टाइम बचा करता है एच टेंस टू जीरो एंड वन प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। टेकिंग लिमिट यानी कि वन प्लस जीरो का स्क्वायर यानी कि वन। तो यहाँ पे आ गए एफ ऑफ वन इक्वल टू टू इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वन, सब आपस में बराबर। नहीं नहीं, एफ ऑफ वन टू दिया था, एल एच एल आर एच एल वन आ रहे थे, बराबर नहीं है। चूँकि देखिएगा एल एच एल बराबर आर एच एल तो है पर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन। एफ ओ वन की वैल्यू टू दे रखा था, वो बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, एल एच एल आर एच एल दोनों वन आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एल एच एल आर एच एल बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, नहीं वो गलत पॉइंट है कि एल एच एल आर एच एल भले ही बराबर हो, फंक्शन की जो वैल्यूज है एफ ओ वन पे यानी एफ ओ अल्फा पे जो वैल्यूज आती हैं वो भी आपस वो भी इनके बराबर होनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस हो पाता है। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है थ्री है एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज है एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यूज़ है यानी कि एफ ऑफ जीरो वो दिया है थ्री एंड एल एच एल निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस पर जीरो नेगेटिव पर यानी कि एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच एंड फंक्शन है वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, एक्स टेंस टू जीरो पर लेना तो एच, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा जीरो पर चेक कर रहे हैं यानी कि वन अपॉन माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा एच टेंस टू जीरो माइनस का वन अपॉन एच, वैल्यू ड्रा करेंगे माइनस का वन अपॉन जीरो माइनस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो अनडिफाइंड क्वांटिटीज वैसे भी हुआ तो नॉट कंटिन्यूस तो हो ही जाएगा एंड आर एच एल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, ये है वन अपॉन एक्स। तो जीरो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच एंड जीरो पे चेक करें तो जीरो प्लस एच यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच, वैल्यू ड्रा करेंगे वन अपॉन जीरो यानी कि इनफाइनाइट। एल एच एल आर एच एल इनफाइनाइट क्वांटिटीज हैं, बराबर नहीं है, जबकि एफ ऑफ जीरो थ्री है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, आपस में बराबर नहीं आ रहा क्योंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल एंड नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो, तो ये नॉट कंटिन्यूस होगा। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ई की पावर वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शंस की वैल्यूज जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यूज है वो जीरो है, तो यानी कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन है। ठीक है, एल एच एल निकालना है एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, फंक्शन था वन माइनस ई की पावर वन अपॉन एक्स, इसमें वैल्यू ड्रा कर देते हैं वन माइनस ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच, चेक करना है जीरो पर, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो एंड वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस का वन अपॉन एच, वैल्यू ड्रा कर देंगे ई की पावर माइनस का वन अपॉन जीरो
1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, एंड e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, e की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस ज़ीरो, 1 अपॉन 1 यानी 1 आ गया। ठीक है, या ये हमारी क्वांटिटीज आ चुकी है, 1 आ चुकी है, तो नॉट कंटिन्यूस होगा। अगर हम RHL की बात करें तो RHL हो जाएगा x टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस एच, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देंगे तो लिमिट 0 प्लस एच एंड 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 प्लस एच, वैल्यू ड्रा करेंगे h टेंस टू ज़ीरो, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 माइनस कैसे हुआ, 1 अपॉन 0 प्लस एच, प्लस ही होगा, तो 1 माइनस ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, 1 माइनस इनफाइनाइट यानी कि 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 यानी 1 हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट माइनस 1 होता तो इनफाइनाइट हो जाता, तो 1 में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, 1 माइनस इनफाइनाइट को हमको 1 ही लेना पड़ता है। ये भी 1 आ गया है। LHL RHL बराबर है पर फंक्शन की बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे 1 होता तो कंटिन्यूस हो जाता, अब नॉट कंटिन्यूस है। देखिएगा LHL बराबर RHL, ठीक है, इक्वल टू 1, बट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। LHL RHL बराबर है बट फंक्शन ऑफ 0 नॉट इक्वल है, तो नॉट कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा।